सरकार के निर्देशों पर राज्य के प्रत्येक जिलों में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इस जनता दरबार में कई फरियादी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच उन्हें अधिकारियों से मात्र आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। हाल ही में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसमें लोगों ने सरकार को जनता दरबार को बंद करने की हिदायत दी है। दरअसल पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय में प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज भी यहां लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया गया, जहां कई फरियादी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। इस दौरान जनता दरबार कार्यक्रम में जिले स्तर के सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जनता दरबार में 41 लोगों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया। वहीं अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर आने वाले लोगों का कहना है कि जब इस जनता दरबार में कुछ काम ही नहीं होते और ना ही किसी की समस्या का समाधान किया जाता है, तो सरकार को इस जनता दरबार को बंद कर देना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करीब 1.5 साल से पर हो गया जितनी भी हमने समस्याएं रखी, उनमें से 1% में